महासचिव प्रियंका गांधी के काफिले का एक्सीडेंट हो गया है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी यूपी के रामपुर जिले जा रही थी, रास्ते में सड़क हादसा हो गया। वह यहां किसान ट्रैक्टर रैली में मारे गए किसान नवरीत सिंह के परिजनों से मुलाकात करने वाली हैं। बता दें कि काफिले का गढ़ गंगा टोल प्लाजा के पास सड़क हादसा हो गया है। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। बताया जा रहा है कि एक गाड़ी के ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाई, जिससे पीछे आने वाली गाड़ियां आपस में टकरा गई। हालांकि किसी को चोट नहीं आई है। गौरतलब है कि 26 जनवरी को दिल्ली में हुई ट्रैक्टर रैली के दौरान किसान नवरीत सिंह की मौत हो गई थी। पुलिस ने बताया था कि किसान की मौत ट्रैक्टर पलटने से हुई। पुलिस ने इसका सीसीटीवी फुटेज भी जारी किया था। हालांकि नवरीत के परिजनों ने पुलिस के इस दावे को खारिज किया था। नवरीत के परिजनों का कहना है कि उसकी मौत गोली लगने से हुई। इस वारदात के बाद दिल्ली पुलिस ने एक वीडियो फुटेज भी जारी किया था, जिसमें यह देखा गया था कि पुलिस बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश में एक ट्रैक्टर पलट जाता है और कुछ लोगों के ऊपर गिर जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी गोली मारने की कोई बात नहीं की गई। बताते चले कि रामपुर दौरे पर निकली कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी उस वक्त बाल बाल बच गई जब उनके कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसा हापुड़ हाईवे पर गढ़ मुक्तेश्वर के पास हुआ। बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी की गाड़ी तेज रफ्तार से रामपुर के लिए बढ़ रही थी, तभी गाड़ी गर्म हो गई और धुआं निकलने लगा। इसकी वजह से ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगा दिया। गाड़ी के अचानक रुकने की वजह से काफिले में पीछे चल रही समर्थकों की गाड़ियां आपस में टकरा गई। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की कोई जान माल की क्षति नहीं हुई है। गौरतलब है कि प्रियंका गांधी यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, विधानमंडल में नेता आराधना मिश्रा समेत तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बिलासपुर के डिबडिबा गांव पहुंचने वाली है। वे यहां किसान नवरीत सिंह के भोज कार्यक्रम में शामिल होंगी। प्रियंका गांधी के दौरे को देखते हुए रामपुर जिला पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। दावा किया जा रहा है कि प्रियंका गांधी 500 गाड़ियों के भारी भरकम काफिले के साथ नवरीत के घर पहुंचेंगी। एसपी शगुन गौतम ने बताया कि हमें सिर्फ राम गोविंद चौधरी के आने की जानकारी मिली है, प्रियंका गांधी के आने की अधिकृत सूचना हमारे पास नहीं है। कहा यह भी जा रहा है कि वापसी के वक्त वह गाजीपुर बॉर्डर भी जा सकती है, जहां किसानों का आंदोलन चल रहा है। इधर यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने बताया कि हमें पता चला है कि नवरीत सिंह जो कैनेडा से आए थे और शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, ट्रैक्टर रैली के दौरान उन पर पुलिस की गोली चलाई गई और उनकी जान चली गई। प्रियंका गांधी रामपुर में आज उनके परिवार से मिलने वाली है। रास्ते में सड़क हादसा हो गया है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.